Good morning, dear student. Myself, Monisha Meena, Assistant Professor in Botany, Haridev Joshi Government Girls College, Banswara. आज हम पढ़ेंगे शुगर केन, गन्ने के बारे में, गन्ने की फसल के बारे में. शुगर केन, इंट्रोडक्शन. शुगर केन एक ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय बहुवर्षीय घास का पौधा है. और ये जो घास होती है, इसको हम जाइंट ग्रास भी कहते हैं. शुगर केन इज़ यूज टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. शुगर केन जो है, गन्ना जो है, वो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम आता है, जैसे शुगर, चीनी, मोलासेस एंड गोल्डन सिरप. टुडे आजकल हम इसको बायोफ्यूल इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए भी शुगर केन की खेती करते हैं. शुगर केन व शुगर बीट, गन्ना व चुकंदर शुगर के, चीनी के प्रमुख स्रोत हैं पूरे विश्व में. 60% की में जो विश्व में जो शुगर है, वो शुगर केन गन्ने से ही ऑप्टेन की जाती है, प्राप्त की जाती है. एशिया जो शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एशिया के बाद में यूरोप है. यूरोप में जो शुगर मिलती है, वो शुगर बीट से ऑप्टेन की जाती है. इंडिया एरिया वाइज व प्रोडक्शन वाइज शुगर केन में फर्स्ट पोजीशन पे है. उसके बाद में क्यूबा है, थर्ड वन इज़ ब्राज़ील. इंडिया में अगर हम स्टेट की बात करें, तो यूपी जो है, उसका लार्जेस्ट एरिया केन एरिया में कल्टीवेटेड किया जाता है. यूपी के बाद में महाराष्ट्र आता है, देन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. यूपी के अंदर शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है. नेक्स्ट इज शुगर क्लासिफिकेशन, गन्ने का वर्गीकरण. किंगडम प्लांटी, डिवीजन मैग्नीलोफाइटा, क्लास लिलियोप्सिडा, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, पोएसी को ग्रैमिनी भी बोलते हैं, जीनस सैकरम, स्पीशीज सैकरम ऑफिसिनेरम. शुगर केन के जो कल्टीवेटेड स्पीशीज़ हैं इंपॉर्टेंट, वो हैं जिनको उगाया जाता है, वो हैं सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम बर्बेरी, सैकरम साइनेंसिस. इसके अलावा जंगली प्रजाति वाइल्ड स्पीशीज़ जो हैं शुगर केन की, वो हैं सैकरम स्पॉन्टेनियम, सैकरम रॉबस्टम. सैकरम ऑफिसिनेरम जो है, उसको नोबल गन्ना, नोबल केन के नाम से भी जाना जाता है. इसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट एवं इसके जो पर्व होते हैं इंटरनोड, वो लंबे होते हैं. जितना ज़्यादा इंटरनोड लंबा होगा, उतना ज़्यादा ही हम उससे शुगर को ऑब्टेन कर पाएंगे. नेक्स्ट है सैकरम साइनेंसिस. सैकरम साइनेंसिस को हम चीन का गन्ना, चाइनीज़ केन के नाम से भी जानते हैं. इसका जो स्टेम होता है, तना, वो हार्ड होता है एवं इसके पर्व इंटरनोड छोटे होते हैं. थर्ड सैकरम बारबेरी, इसको इंडियन केन, भारतीय गन्ने के नाम से जाना जाता है. ओरिजिन, उद्भव की अगर हम बात करें, शुगर केन जो है, उसका ओरिजिन न्यू गिनिया में माना जाता है एवं सैकरम ऑफिसिनेरम का ओरिजिन इंडो म्यांमार चाइना बॉर्डर के पास में माना जाता है. मगर इनका जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है वेवल्यू ऑफ थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो इनका जो ओरिजिन है, वो न्यू गिनिया में ही है. बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, वानस्पतिक लक्षण. शुगर केन एक पेरिनियल टॉल, मतलब बड़ी, पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय उष्णकटिबंधीय जायंट ग्रास है. इसको इसके थिक स्टेम के लिए कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, क्योंकि इसके स्टेम से हमें शुगर प्राप्त होती है. बॉटनिकल कैरेक्टर में हम इसमें पढ़ेंगे स्टेम, रूट, लीव्स एवं पुष्क्रम. सबसे पहले देखिए तना. इसका जो तना होता है, वो इस तरीके से इसमें सेगमेंट्स होते हैं. ये जो सेगमेंट्स होते हैं स्टॉक के, जो इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं जॉइंट्स. इसका जो स्टॉक होता है, स्टेम जो होता है, वो सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है. हर जो जॉइंट होते हैं, उसमें ये वाला जो होता है वो नोड होता है, और इन दो नोड के बीच में इंटरनोड होता है. तो हर जो जॉइंट होता है, वो नोड व इंटरनोड का बना होता है. यहाँ देखिए, ये इसकी स्टेम हो गई, ये नोड्स हैं, ये नोड हो गए. दो नोड के बीच में होता है लॉन्ग इंटरनोड. जो नोड होता है, वहाँ पे क्या क्या पाई जाती है, उसके अपर पार्ट में ग्रोथ रिंग होती है. नोड में एक रूट बैंड होता है. इस रूट बैंड में रूट प्रिमोर्डिया, ये जो लूजली अरेंज ब्लू कलर की सेल्स हैं, दे आर रूट प्रिमोर्डिया पाई जाती हैं.
एवं जो नोड होती है इसमें बड़ पाई जाती है और इस नोड से लीफ निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द नोड इज़ वेयर, नोड वो स्टॉक का वो पार्ट होता है जहाँ से कि जो लीव्स होती हैं वो अटैच होती हैं स्टॉक से। नोड के अंदर बड, रूट प्रिमोर्डिया पाए जाते हैं। जब पत्ती झड़ जाती है तो वहाँ पे एक लीफ स्कार रह जाता है, वो भी नोड पे पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो नोड है इसमें क्या क्या हो गया, रूट प्रिमोर्डिया, बड, और यहाँ से इस तरीके से लीव्स पाई जाती है। जो बड जो लोकेटेड होती है इस रूट बैंड में, वो नोड में, वो एम्ब्रियोनिक शूट्स होती हैं। बेसिकली ये जो बर्ड्स हैं, ये वाली जो बर्ड है यहाँ पे, ये एम्ब्रियोनिक शूट होती है। इस बर्ड के पास में एक छोटा सा स्टॉक वे स्मॉल लीव पाई जाती है। नॉर्मली एक बर्ड ही पाई जाती है हर प्रत्येक नोड पे। एवं जो रूट बैंड होता है, ये वाला जो रूट बैंड है, इसमें लूजली डिफाइंड रोज ऑफ रूट प्रिमोर्डिया, ये जो लूज सेल्ड है एक दूसरे से दूर जो ब्लू कलर में दिखाई गई हैं, दिस आर द रूट प्रिमोर्डिया। तो जो रूट बैंड है उसके अंदर लूजली डिफाइंड रोज ऑफ रूट प्रिमोर्डिया पाई जाती है। जो गन्ने का जो होता है, जब हम सीड केन लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो इसमें बड में से प्राइमरी शूट्स निकलती हैं, और उन प्राइमरी शूट्स से, बड से प्राइमरी शूट निकलेंगी, बाद में प्राइमरी शूट से सेकेंडरी शूट्स निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं टेलर्स। इसीलिए जो गन्ने का जो पौधा होता है, पेड़ जो होता है, वो गुच्छे में होता है। नेक्स्ट इज़ इंटरनोड। ये जो है सरफेस जो होती है इंटरनोड की, वो वैक्स से कवर्ड रहती है ज़्यादातर। ग्रोथ रिंग को छोड़ के बाकी जो होता है वो वैक्स से कवर्ड रहती है। अगर इस इंटरनोड का हम क्रॉस सेक्शन करें तो इसके अंदर फॉलोइंग टिश्यू पाए जाते हैं। बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस, नेक्स्ट कॉर्टेक्स, ग्राउंड टिश्यू एवं वैस्कुलर बंडल्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये स्टेम है, ये नोड्स हो गई, दो नोड के बीच में इंटरनोड हो गया। नोड वो प्लेस होता है जहाँ से लीफ निकलेगी। नोड में बर्ड भी पाई जाती है एवं रूट प्रिमोर्डिया पाई जाती हैं। ये जो बर्ड होती है, जब सीड के इनको प्लांट करते हैं, तो ये जो बर्ड होती है इसे प्राइमरी शूट निकलती हैं और प्राइमरी शूट से सेकेंडरी शूट्स निकलती हैं। नेक्स्ट इज लीफ। जो लीव्स होती हैं प्रत्येक नोड से, जैसे ये नोड हो गया, ये स्टेम है, ये नोड है, तो इस नोड से एक लीफ निकलेगी, इधर वाले से इधर निकलेगी। अल्टरनेटली अपोजिट साइड में हर नोड से एक लीफ निकलती है। जो लीफ होती है शुगर केन की, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लीफ शीथ व लीफ ब्लेड। जो लीफ शीथ होती है वो ट्यूबुलर शेप की होती है और वो नोड से निकलकर इस नोड से निकलेगी और कम्प्लीटली इस पूरे इंटरनोड को इस तरीके से कवर करती है। इंटरनोड को कवर करती है लीफ शीथ, पर्णाक्षत भी बोलते हैं इसको। ये लाइट ग्रीन की होती है और इसकी बाहरी आउटर सरफेस पे छोटे छोटे रूम पाए जाते हैं। दूसरी होती है लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसके अंदर मिडरिप पाई जाती है। लीफ ब्लेड जो होती है लीनियर होती है और उसकी ऊपर वाली सरफेस पे खांच पाई जाती है। तो जैसे ये हमारा हो गया नोड, इससे यहाँ से इस तरीके से इंटरनोड को कवर करके निकलेगी और इस तरीके से हमारी लीफ होगी। तो ये वाला जो पोर्शन है वो लीफ ब्लेड है। नेक्स्ट, यहाँ जहाँ से ये लीफ शीथ और लीफ ब्लेड का जो जंक्शन होता है, वहाँ पे एक मेम्ब्रेनस अटैचमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लिग्यूल। ये लिग्यूल क्या करता है, लीफ शीथ को, पर्णाक्षत व लीफ ब्लेड को एक दूसरे से सेपरेट करके रखता है। कई बार क्या होता है, जो लीफ शीथ होती है उसके पास में कुछ एक्सटेंशन पाए जाते हैं, सेकेरियस एक्सटेंशन, जिनको हम बोलते हैं ओरिकल। तो जो लीफ होगी उसके दो पार्ट हो गए, लीफ शीथ व लीफ ब्लेड। नेक्स्ट है रूट। शुगर केन के अंदर प्लांटेड सीड जो पीस होता है उसमें दो तरीके की रूट्स पाई जाती हैं। पहली होती है सेट रूट, दूसरी होती है शूट रूट। यहाँ से देखते हैं, ये हमने प्लांट करा, यहाँ से ये जो ये मोटी वाली जो ट्यूबुलर और थिक जो ट्यूब आपको दिख रही है, ये शूट रूट्स हैं और ये वाली हैं सेट रूट्स। ये सबसे पहले प्राइमरी शूट निकलेगी, प्राइमरी शूट से सेकेंडरी शूट्स निकलती हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म जो रूट होती है, जब भी हम सीड क्लेन को प्लांट करते हैं, तो प्लांटिंग के 24 आवर में सबसे पहले जो रूट फॉर्म्ड होती है वो होती है सेट रूट। ये वाली जो है वो सेट रूट्स है। ये जो सेट रूट होती है वो रूट बैंड जो था स्टेम पे, वहाँ से निकलती हैं। ये बहुत थिन, पतली, वो हाईली ब्रांच्ड होती हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग इनमें शो हो रही है। इम्पॉर्टेंट यह है कि ये टेम्परेरी नेचर की होती हैं। जब तक कि ये शूट रूट नहीं बनती, तब तक जो प्लांट होता है, न्यूली ग्रोन प्लांट जो होता है, वो इन सेट रूट पर डिपेंड होता है।
नेक्स्ट है शूट रूट, ये लोअर रूट बैंड से ओरिजिनेट होती हैं। ये शूट रूट्स थिक होती हैं, मोटी होती है, फ्लैशी होती हैं, वे लेस ब्रांच होती है। देखिए इसमें बहुत कम ब्रांचिंग होती है और जबकि इनमें ब्रांच ज़्यादा होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, शूट रूट व सेट रूट। तो सबसे पहले जब सीड के इनको हम प्लांट करते हैं तो जो टेम्परेरी नेचर की रूट्स होती हैं वो सेट रूट्स होती हैं। दे आर हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती हैं जबकि ये कम ब्रांच्ड होती हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो रूट्स होती हैं उनका प्राइमरी फंक्शन हमें पता ही है, वाटर व न्यूट्रिएंट का इनटेक करना होता है। मगर शुगर केन के प्लांट में ये जो रूट्स होती हैं वो एंकर करने का भी काम करती हैं, प्लांट को रोके रखने का भी काम करती हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है शुगर केन का उसको एरो भी बोलते हैं और ये एक प्रकार का टर्मिनल पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। यहाँ पे जो स्पाइकलेट होते हैं वो रेसिमोस फैशन में अरेंज होते हैं। रेसिमोस में जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर होता है वो बेस पे, वह यंगेस्ट फ्लावर जो होता है वो ऊपर पाया जाता है। और इसके भी जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्शुअल होते हैं और ग्लूम से इनक्लोज्ड होते हैं। थैंक यू सो मच।